अगर इन चार स्थानों से आपका संबंध है तो आप कलयुग में हैं। अगर इन चार स्थानों से आपका संबंध नहीं है तो आप सतयुग में हैं, कलयुग में नहीं है आप। आसानी से कह दे महाराज कलयुग चल रहा है, हम तो कलयुगी जीव हैं। संभाल के बोलना, बिना जाने मत बोलना। केवल इन चार स्थानों से संपर्क होने से आप कलयुग में हैं। अगर इन चार स्थानों से आप मुक्त हैं तो आप कलयुग में नहीं, आप सतयुग में। कौन कौन सा स्थान? द्युतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। चार स्थान क्या? द्युतम, जिसके घर में जुआ खेलने वाले लोग रहते हैं उसके घर में कलयुग निवास करता है। कलयुग का मतलब है कलह। कलयुग का क्या मतलब है? कलह। जिसके घर में जुआ खेलने वाले हैं उसका पूरा घर कलयुग में डूबा हुआ है, उसके घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। द्युतम, दूसरा द्युतम के बाद पानम। पानम मतलब समझ तो गए होगे आप लोग, इतना तो समझदार रही हैं। दिन भर बेचारे 100-200-500 कमाए और रात को उनको चाहिए पौआ, काहे के लिए? थकान मिटाने के लिए। तो भैया हम भी 6-5 घंटा कथा बोलते हैं तो फिर हम भी एक पौआ लेके सोया करें, इसका मतलब? अगर उसी से थकान उतरती हो तो भाई फिर सबको लेना चाहिए, फिर तुम अपनी पत्नी को भी एक पौआ पिला के सुलाया करो, हो तो थक जाती है बेचारी। कि केवल थकान तुम्हें को चढ़ता है? पानम, और केवल पानम में केवल दारू नहीं आता, गांजा, तमाकू, सुरती, सिगरेट, बीड़ी, सब ये सब कलयुग का घर है। जितना छोटा नशा उतनी बड़ी सजा। जेल जाना है तो मर्डर करके जाना, चोरी करके गए तो बड़ी थप्पड़ खाओगे वहां अंदर, इसलिए जेल जाओ तो मर्डर करके जाओ। इसीलिए अगर नशा भी कर रहे हो तो बड़ा करना, अफीम चरस लो कि पूरा खानदान ही नष्ट हो जाए। छोटा नशा मत करना। पानम, जिसके घर में नशेड़ी गजेड़ी रहते हैं, नशा करने वाले लोग। हम तो देख रहे हैं, पहले दिन ही मना कर दिए थे, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कथा में कुछ लोग अपना धीरे से पीछे अपना रगड़ करके अपना खाई ले रहे हैं। कथा में बैठे बैठे भी सुरती खा रहे हैं लोग, क्या क्या खा करके बैठे हैं। और कुछ एकाक तो भैया पौओ लेके घुस आते हैं। क्या कहा जाए, ये दुर्भाग्य ही है, दुर्भाग्य ही है सब। पानम, जिसके घर में नशेड़ी गजेड़ी रहते हैं उसके घर में कभी सुख नहीं आ सकता। ध्यान देना, आप कहते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। आप कहते हैं महाराज मैं तो क्यों थोड़ा सा सुरती बस खा लेता हूं बस। तुम सुरती खाओ के गारंटी है आगे आने वाले समय में तुम्हारा बेटा दारू पिएगा, गाजा पिएगा, अफीम चरस लेगा, निश्चित लेगा। तुम नहीं लोगे, तुम बच जाओगे, आगे आने वाली पीढ़ी को तुम नहीं बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे। जितना छोटा नशा, सुन लो अब बात आई है तो बताई दे। विजया कल्पमेकम तु दस कल्पम तु नागिनी, तमालम सत्कल्पम तु धूम्र संख्या न दीयते। पद्म पुराण में कहा गया जो भांग खाने वाले लोग हैं एक कल्प तक वो नरक में वास करते हैं। एक कल्प तक जो भांग खाते हैं एक कल्प तक नरक में वास करते हैं।
और एक कल्प किसको बोला जाता है? चारों युग 1000 बार आए और जाए, इसको एक कल्प बोलते हैं। इतना कल्प तक आपको नरक में वास करना पड़ेगा अगर आप भांग खाते हैं तो। जो अफीम खाने वाले हैं वो 10 कल्प तक नरक में वास करेंगे। तमाखू खाने वाले 100 कल्प तक नरक में वास करेंगे। पद्म पुराण से बोल रहा हूं। और धूम्रपान बीड़ी सिगरेट गांजा ये इतने समय तक नरक में वास करेंगे। न संख्याम दीयति, उनकी कोई संख्या ही नहीं, उनके लिए संख्या निर्धारित ही नहीं की गई कि वो इतना कल्प तक वो नरक में वास करेंगे। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र जो भी हो, यदि वह तंबाकू खाता है तो उसे भंगी की तरह समझना चाहिए। किसकी तरह? भंगी की तरह समझना चाहिए। नाम तो बड़ा लिखेंगे हम फलाना है और काम भंगी का करेंगे। काम से नाम को जोड़ो, नाम से काम को। कम से कम जहां जन्म हम लिए हैं कम से कम उसकी मर्यादा तो रक्षा कर लें। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के सुरती सोपाड़ी गाजा तमाकू खाना, घर के रसोई में लहसुन प्याज बनना, ये दुर्भाग्य का सूचक है, हमारे विनाश का सूचक है, विनाश का सूचक। इसलिए मेरे भाई, न भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टा पतंत दया। पहले दिन महात्मा सुने थे, धुंधकारी बोला था, स्वकीय नैव दोषेण ब्राह्मणत्वं नाशितं मया, अपने दोष से ब्राह्मणत्व का नाश हो जाता है। नाश मत करिए मेरे भाई, नाश मत करिए। जहां जन्म लिए हैं कम से कम उसकी मर्यादा की रक्षा करो। जो खाने योग्य है वही खाओ, जो अपद्रव्य है वो जिह्वा पर मत रखो। ब्राह्मण की मूल संपत्ति क्या है पता है? ब्राह्मण का मूल धन क्या है पता है आपको? ब्राह्मण की मूल संपत्ति है भगवान नाम। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण की संपत्ति ब्रह्मवित्त है, ब्रह्म का नाम है। उसके जिह्वा पे सदैव भगवान नाम चलता रहे। अरे रहीमन सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाको राम धन हो। जिसके पास राम धन है उसी को धनवान मानना। इसीलिए भौतिक दृष्टि से कहीं कहानी में पढ़ेंगे फलाना गांव में एक गरीब ब्राह्मण। भौतिक दृष्टि से ब्राह्मण गरीब होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मूल संपत्ति, उसकी जो संपत्ति है नाम रूपी धन, वो उसके पास। ब्राह्मण समाज का मस्तक है। मस्तक क्या है? ब्राह्मण समाज का मस्तक है ये। और अगर मस्तक खराब हो जाए, माथा खराब हो जाए, पूरे शरीर का मॉडल बिगड़ जाएगा साहब। इसीलिए हमारे समाज का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्राह्मण बिगड़ रहा है। पठन पाठन स्वाध्याय छोड़ करके लहसुन प्याज गांजा तमाकू सुरती सुपाड़ी क्या क्या खा रहा है वो सब। और फिर कहेगा कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए कैसे? हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। हम आप अगर समाज की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आगे आने वाली पीढ़ी को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? आप अगर जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कौन लेगा? बताओ हमको कौन लेगा? समझो,
और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करो। कभी जीवन में भूल करके मत कहना कि हम एक छोटी सी सुरती और सोपाड़ी खाते हैं, इससे कुछ नहीं होता। आज नहीं पता चलेगा, समय आने पर पता चलेगा। जब समय आता है ना, तब आदमी ऐसे रोता है को पूछो मत कि बहुत कष्ट बहुत दुख पा रहा है। क्यों दुख पा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? कलयुग जब उसके सर पर चढ़ करके बैठा है तो निश्चित वो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो दुखी ही रहेगा। आजकल तो हमारे घर में सत्यनारायण की कथा सुनाने पंडित जी आते हैं, वह पान मुख में भर करके और आधा थूक रहे हैं आधा बोल रहे हैं और सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। क्या लाभ है ऐसे सत्यनारायण की कथा सुनकर के? क्या लाभ है बताओ? जब उनका मुख ही पवित्र नहीं है तो फिर क्या फायदा है? इसलिए बहुत सोच समझ करके हमको अपना जीवन यापन करना है। और हम निवेदन करना चाहेंगे कि कम से कम हम जहां जन्म लिए हैं उसकी मर्यादा का उल्लंघन ना करें। उल्लंघन ना करें। हमें वो खाना पीना नहीं है जो हमारे लिए नहीं बना, वो हमको खाना पीना नहीं। इसलिए संभल जाओ मेरे भाई, संभल जाओ। द्युतम पानम, लोग कहते हैं कथा सुना करके चले जाते हैं, पता नहीं क्या सुना करके जाते हैं। ये भागवत में नहीं लिखा है। लोग पूछते हैं कहां लिखा है कि नहीं खाना चाहिए, आना हम बताते हैं कहां लिखा है। कहां लिखा है? शास्त्र से ही बोला जाता है। द्युतम पानम, जिसके घर में नशेड़ी गजेड़ी रहते हैं उसके घर में कभी सुख नहीं आ सकता। स्त्रियः, जिनके घर में व्यभिचारी लोग पैदा हो जाए, जिनको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, पड़ोस की पत्नी अच्छी लगती, जो अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के पास जाते हैं, जो औरतें अपने पति को छोड़कर पराए पुरुष के पास जाती हैं, जो व्यभिचार करती हैं, उनके घर में भी कलयुग निवास करता है। और सुना, जो लोग जीव मार करके खाते हैं, मुर्गी मछली अंडा, ये जो लोग भी मांस खाने वाले हैं, मांस खाने वाले को क्या कहा जाता है? चांडाल। क्या? चांडाल। जो दूसरों का मांस खाता है उसको चांडाल कहा जाता है। चांडाल न तो ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। इन चार वर्णों से भी नीचे चला जाता है, चांडाल हो जाता है। वो ब्राह्मण खाएगा तो भी चांडाल हो जाएगा, क्षत्रिय खाएगा तो भी चांडाल हो जाएगा, वैश्य खाएगा तो भी चांडाल हो जाएगा, शूद्र खाएगा तो भी चांडाल हो जाएगा। तो आज हर घर में चांडाल पल रहे हैं, घर घर में चांडाल पल रहे हैं, घर घर में अंडा और मछली मुर्गा खाने वाले लोग हैं। और बड़े प्यार से अम्मा लोग कहती हैं, हमारा बेटा घर में नहीं खाता, हॉस्टल में रहता है, खा लेता है दोस्तों के साथ। खिलाओ खिलाओ, ऐसे देखना क्या होता है। आज तो किसी के घर पानी पीने लायक नहीं है साहब। और अगर बोल दिया जाए तो कहेंगे बड़का पंडित हो गए हैं, पानी ही हमारे घर नहीं पीते। अरे कर्म तो करो पीने लायक। जिनके घर में ये कार्य किए जाते हैं उनके हाथ के छुए जल को जल से स्नान नहीं करना चाहिए। पीना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे लोगों के हाथ से छुआ खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये सब जघन्य पाप है साहब, जघन्य पाप है। इसलिए कलयुग इन चार स्थानों पर रहता है और इन चार स्थानों को छोड़ दो, आपको भजन करने की जरूरत ही नहीं साहब। इन चार चीजों को छोड़ने से भजन अपने आप होने लगेगा। अरे आदत बुरी सुधार लो, अरे बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो,
बस हो गया भजन। अच्छा इतने लोग कथा सुने, कौन कौन ऐसा है जो आज के बाद नशा छोड़ देगा इतना सुनने के बाद? हमारे जजमान जी भी छोड़ दिए, बाप धन्य हो आपका, कथा सुनना अगर छोड़ दिए तो सफल हो जाएगा। तो इतने लोग सब बैठे हैं, मतलब नहीं छोड़ना है आपको, मतलब खाते रहे। इतना छोड़, इतना कहने के बाद अगर इतना सुनने के बाद अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं तो जानना कि साक्षात यमराज ही आपके सर पे बैठे हैं। तो चलो छोड़ना या ना छोड़ना आपकी मर्जी है, हम तो कहते हैं खूब खाना। और अगर आप लोगों से हम एक बात कहेंगे, अम्मा लोगों से, अच्छा किसका किसका पति दारू पीता है? हाँ तो उठाओ थोड़ा, एक अम्मा बस। अच्छा और सबके पति सही हैं? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीते नहीं। अगर किसी का पति पीता है, उपाय बता रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे हैं कि किसका पीता है। अगर किसी का पति दारू पीता है तो एक काम करना कि वो दिन भर काम करता होगा, रात को पीता है, तो जब उसके पीने का समय हो तो तुम भी मंगा के रखी रहो। जब वो पीना शुरू करे तो तुम भी पैक बना करके पीना शुरू करो। बहुत सरल उपाय है। अगर वो पांच दिन के अंदर छोड़ नहीं देगा दारू तो हमसे कहना, पांच दिन में दारू छोड़ देगा। और अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर दोनों पी करके मस्त रहो, है कि नहीं? एक के पीने से घर में कलह होता है और दोनों के पीने से कलह मिट जाएगा। या तो दोनों पीना शुरू कर दो या तो दोनों छोड़ दो। तो जिसका पति पीता हो अगर वो तुम्हारे कहने से नहीं छोड़ता तो तुम भी एक बोतल लेके घर में बैठ जाओ आराम से, पी करके रोटी सब्जी बनाना बढ़िया कायदे से। तो इसलिए इन चार बुराइयों को छोड़ दो और आपका भजन अपने आप होने लगेगा।